अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वन हमारा फंक्शन इंग्लिश का चल रहा है। इसमें एडवर्बियल तक कल हमने स्टडी कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये कौन बताएगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट व्हाट इज अ सब्जेक्ट? यस ऑन No voice. आवाज यहाँ इतनी सी आई थी जो आपने पूछा कि आवाज आ रही है, पहले तो नहीं आई। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, व्हाट और हु के तो बीइंग में हो या डूइंग में हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही? यस प्लीज स्पीक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर सब्जेक्ट डूइंग और नाउन प्रोनाउन। इनको मजा नहीं आया। यस एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यस शमरो सर, डूअर और बियर? डूअर और बियर। बियर, हां बियर नहीं करना उसको, बियर। डूअर बियर, बियर सर। ओके, एंड प्रेडिकेट बीइंग और डूइंग? बीइंग और डूइंग। अच्छा, अब आप ये बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं आठ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो ही चीजें हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। नहीं, जब हम कहते हैं कि हम सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो देख सकते हैं ना? लेकिन जी सर, बिल्कुल देख सकते हैं। सेंटेंस के जब पार्ट्स देखे उसमें वर्ब भी था, था ना वर्ब? जी सर। और वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी है ऐसी? जी सर बिल्कुल है। डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये डिफरेंट क्यों है? सर असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम किसी सेंटेंस में फिक्स करते हैं तब उनकी शनाख्त असल पता लगती है। नहीं कि जब वर्ब दोनों तरफ है फिर हम डिस्टिंक्ट कैसे करते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं या पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं? सर खास समझ नहीं आ रही आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं है बेटा, क्वेश्चन सिंपल ही। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वैसे इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो इसमें भी तो जब वर्ब को आप सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो इंडिविजुअली हो जाता है इसमें? सर जी इसमें वर्ब की फिर फॉर्म्स वगैरह भी होती है ना? फॉर्म तो दोनों में आएंगे। जब आप पार्ट स्पीच की बात करते हैं तो उसमें भी वर्ब की फॉर्म्स इंक्लूडेड है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम कहते हैं ना उसको हम सिर्फ वर्ड्स को सेपरेटली हर हर वर्ड को देख रहे होते हैं, सेंटेंस में यूज हो या ना हो। लेकिन एक है कि सेंटेंस में यूज हो जाए, एक है सेंटेंस के अंदर यूज होकर मीनिंग क्या दे रहा है ये,
या फिर दूसरी सूरत यह होती है कि सेंटेंस में यूज होके स्ट्रक्चर में इसका क्या रोल है। जब जी आप सर मीनिंग मीनिंग वाइज इनको देखेंगे फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, जब स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं। अब देखेंगे हमने जैसे कहा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर है। इसमें फिर हम यही करते हैं कि हर सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या कुछ हो सकता है, प्रेडिकेट में क्या क्या कुछ हो सकता है। सब्जेक्ट तो यही हो सकता है कि या कॉम्पाउंड सब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यूज होगा, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने सारी टाइप्स प्रेडिकेट की बनाई हुई है, वो जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पे देखना ये सारी की सारी चीज़ें सब्जेक्ट के अलावा जितने भी हैं ये स्ट्रक्चर वाइज प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट के जो फर्दर पार्ट्स हम करते हैं वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर वाइज हम इनको देख रहे हैं। ठीक है अच्छा जी, एडवर्बियल क्या होता है? यस रोज सर एडवर्बियल होता है, एडवर्बियल लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अच्छा होता एडवर्ब ही है जी सर, एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड नहीं होता सर। इसे हम एडवर्बियल फ्रेज। यस अनस सर, सिंगल एडवर्ब भी हो सकता, सिंगल एडवर्ब भी हो सकता है और पूरा ग्रुप भी। ये ग्रुप जो होता है वो भी एडवर्ब ही होता है बेसिकली। नहीं सर, वो पूरा प्रेडिकेट बन जाता है। नहीं प्रेडिकेट नहीं बन सकता है पूरा। शंदोज ने जो फ्रेज बन जाते हैं, शंदोज ने जो कहा कि एक होता है एडवर्ब, वो तो है ही प्योरली एडवर्ब होता है, उसका और कोई फंक्शन नहीं होता जब हम उसे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, एडवर्बियल नाउन क्लास, एडवर्बियल्स उन्हें कहते हैं जो कि बेसिकली एडवर्ब्स होते ही नहीं है लेकिन एडवर्ब की जगह पे यूज हो रहे होते हैं। जैसे कल मैंने लिखा था, एक था स्लोली, एक था इन अ स्लोली मैनर, इन अ स्लोली वे। ये देखिएगा अब आप इन सब को जब देखते हैं तो उसमें तो नाउन्स भी आ रहे होते हैं और प्रेपोजिशंस भी आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारे मिलके एडवर्ब का काम करते हैं, इस वजह से एडवर्बियल की टर्म फिर यूज की जाती है। और एडवर्बियल जो है वो एडवर्बियल्स चूंकि एडवर्ब से ज्यादा हैं, इस वजह से एडवर्ब को भी एडवर्बियल में ही शामिल कर लिया जाता है। यानी एक टर्म ऐसी बन गई जो जितने भी वर्ड्स एडवर्ब का रोल प्ले कर सकते हैं उन सब को फिर एडवर्बियल कह दिया जाता है। अच्छा यस, ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? सर जिस पर काम किया जा रहा हो, काम किया जा रहा हो या जो एक्शन को रिसीव करे, ऐसा कर ले इसको, बात वही होती है लेकिन जरा ग्रामेटिकली आप क्लोज हो जाएंगे। वो ये है कि जो एक्शन को रिसीव करे, ये किन वर्ब्स के बाद यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट? जी सर, किन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है? यश रोज सर, ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव बेटा कहना, ट्रांजिटिव नहीं कहना, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, हाँ, ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब बताते हैं क्या है? बताओ शमरोज। जो ट्रांसिटिव वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करें। इन वर्ब्स को यूज करके हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर फिर ऑब्जेक्ट की सूरत में आता है? क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम इन वर्ब्स के बाद जिनका फिर आंसर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आता है? सर जी इसमें मतलब वर्ब डिमांड करता है ना, जैसे ही गोज, वेयर डज ही गो, ही गोज टू स्कूल, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। स्कूल इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, स्कूल सर ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, इन्होंने तो मिलकर एडवर्बियल बन जाना होता है। He eats mangoes. He eats mangoes. Mangoes. फिर इसमें ऑब्जेक्ट
हाँ जी, इसलिए मैंने कहा था जब आप वर्ब यूज करेंगे ना, वर्ब के बाद क्वेश्चन है व्हाट या हु, अगर व्हाट या हु का आंसर आए तो वो ऑब्जेक्ट होगा। जो भी वर्ब व्हाट और हु का आंसर डिमांड करे वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे ही ईट्स, व्हाट, ही इनवाइट्स, हु डज ही इनवाइट, हु, ये है जहां पे हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सर अगर हम गोज की बात करें तो फिर गो भी तो डिमांड कर ही रहा कि किधर जा रहा है वो। किधर तो नहीं हमने इसमें रखा, हमने तो दो क्वेश्चंस कहे बस, व्हाट और हु। फिर सर जी वो क्या होगा फिर? वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एडवर्बियल प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब को तो चाहिए नहीं। वो वर्ब को जो जरूरत है वो व्हाट और हु का आंसर आपसे डिमांड करेगा बस, बाकी नहीं। अगर बाकी स्टार्ट से ही बताया जा रहा है जी सर, बोलो, सॉरी बोले सर, सॉरी स्टार्ट से ये बताया मैंने। नहीं नहीं सर जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें तो स्टार्ट से ये बताया जा रहा है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है कोई भी आ जाए। नहीं देखें, जब व्हाट और हु का आंसर अगर आएगा तो फिर हम वर्ब के फौरन बाद फिर हम कहेंगे ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये सर इसके अलावा है फिर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं वर्ब्स जिन्हें हम प्रेपोजिशनल वर्ब्स कहते हैं उनको फ्रेजल वर्ब्स भी कहा जाता है। उनके बाद प्रेपोजिशन आएगी लेकिन वो प्रेपोजिशन वर्ब के साथ मिलके वर्ब का मीनिंग चेंज कर रही होती है। जब वर्ब का मीनिंग चेंज करेगी तो हम इसको ट्रांसिटिव वर्ब समझेंगे। उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हर एक में ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर आपने जैसे कहा ना कि पहले से आपने जो सुना है वो फिर और चीज़ें हैं। ये देखिए इसको मैं प्रूव कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि किसका इनको यूज करना है। ये देखें, Ali goes to school. Go का क्या मीनिंग है शंगोज? यस शंगोज, गो का क्या मीनिंग है? जाना सर, जाना। अब आपने ये देखना है कि क्या टू लगाने से वही गो का मीनिंग जाना ही रहा या कुछ चेंज हुआ है मीनिंग? तकरीबन वही रहा सर, सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ऐसा जो होता है ना, ऐसा जो वर्ब होगा इसको हम अलग ही रखते हैं, टू को इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। टू ने इसके साथ आके ऐड होना है, टू स्कूल। ये यहाँ पे अली गोज वेयर का आंसर दे रहा है, ये व्हाट या हु का आंसर नहीं दे सकता। रीजन ये है कि ये टू जो है ये वर्ब का पार्ट बन नहीं सका। अगर ये ऐसी वो प्रेपोजिशन जो वर्ब का पार्ट बन जाए उस रूप में हम समझते हैं कि ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गया। उसके बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अली लाफ्स, लाफ का क्या मीनिंग है यहाँ पे? हंसना, हंसना। साथ में लगा देता हूँ एट, लाफ्स एट। क्या ये लाफ का वही मीनिंग है या कुछ मीनिंग चेंज हो रहा है? अब वही रहा सर। अच्छा जरा ट्रांसलेट करें इसको, अली लाफ्स एट अस, अली हम पर हंसता है। हम पर हंसना जो है ना, ये असल में ये मिलके इसका मीनिंग है मजाक उड़ाना। जी सर, चेंज हुआ सर। देखिए लाफ का मीनिंग हंसना था, यहाँ वो खुद हंसे ना हंसे लेकिन मजाक उसने आपका उड़ा दिया। किसी तरह भी हो, चाहे रिटर्न में हो, चाहे उसने कोई मैसेज सेंड कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी, अब आपको हंसता तो वो नजर नहीं आएगा। लेकिन लाफ एट जो है ये मिलके ट्रांसिटिव वर्ब की सेंस देता है कि वो मजाक उड़ाता है किसका, हु रिसीव्स दिस एक्शन, अस। इसमें अस जो है ये हु का आंसर देगा। यहाँ पे आपको हम ये ऑब्जेक्ट मानेंगे, लाफ एट मिल के एक ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा क्योंकि एट ने आगे मीनिंग चेंज कर दिया। ठीक है इस तरह मतलब होगा जी, मतलब सर जी सिंपली जब यानी कि व्हाट या हु की बात हो तो ही हम ऑब्जेक्ट कहेंगे उसको। हाँ उसमें ये तो ठीक है, लेकिन ये बात जो मैं आप बता रहा हूँ ना उसकी रीजन ये है। आप देखें, अब हो सकता है आप कहें अली गोज टू,
आगे तो डेफिनेटली व्हाट ही पूछना है आपने, ये टू तक अगर आप चले गए फिर तो व्हाट पूछेंगे, लेकिन पहली चीज ये देखनी है कि क्या टू इस वर्ब का पार्ट है भी सही या नहीं। अगर इसका पार्ट होगा तो उसके बाद हम व्हाट हु पूछेंगे, अगर इसका पार्ट नहीं होगा तो उससे पहले व्हाट और हु को लगाएंगे। अली गोज, अब यहाँ व्हाट की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आप कहेंगे ना अली गोज वेयर, वेयर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, व्हाट या हु का आंसर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखें अली लाफ्स, यहाँ पे हम एट के बाद जाके पूछ रहे हैं हु या whom, क्यों कि एट उस वर्ब का पार्ट बन गया है, टू गोज का पार्ट नहीं बना था, एट लाफ का पार्ट है, ये मिलके मीनिंग चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर मीनिंग चेंज करे साथ मिलके फिर ट्रांसिटिव वर्ब समझेंगे और उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर मिलके मीनिंग चेंज ना करे सिर्फ कोई डायरेक्शन वगैरह बताए, प्लेस बताए, मूवमेंट बताए, उस वक्त में फिर हम समझते कि प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट और वर्ब को जरूरत नहीं थी इसकी। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल बी सीम्स टेस्ट्स। अब हमने पीछे जो ना ये डूइंग वर्ब्स देखे कि अगर वो एक्शन जो शो करते हैं, एक्शन को रिसीव करने वाले को हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट, कि इसने एक्शन रिसीव किया ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम बीइंग वर्ब्स यूज करते हैं, डूइंग वर्ब्स यूज करेंगे तो डूइंग तो दो तरह से है, ट्रांसिटिव भी है इंट्रांसिटिव भी है। अगर डूइंग वर्ब ट्रांसिटिव है तो फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इंट्रांसिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। लेकिन अगर बीइंग वर्ब यूज करेंगे, बीइंग वर्ब की सूरत में उसके बाद आने वाले वर्ड की, देखें डूइंग के बाद हमने कहा व्हाट या हु, वो बन गया ऑब्जेक्ट, लेकिन बीइंग वर्ब के बाद अगर आप व्हाट या हु पूछेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट वुड बिकम अ कॉम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट आंसर टू What slash who after a doing verb, और complement, complement की दो types है, ये वाली जो है ये subject complement है, ये मैं लिख देता हूँ bracket में साथ, ये subject complement है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये भी आंसर है, किस चीज का आंसर टू व्हाट, मोस्टली ये व्हाट ही हम यूज करते हैं। कभी कभी हु यूज होगा, बहरहाल दोनों ही, व्हाट ज्यादा है आफ्टर अ बीइंग वर्ब। डूइंग वर्ब के बाद व्हाट या हु पूछा जाए तो उसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और बीइंग वर्ब के बाद अगर आप व्हाट या हु का आंसर पूछेंगे तो वो जो आंसर आएगा दैट विल बी अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बीइंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, ये शमरोज, बीइंग वर्ब्स इज आर एम, बीइंग वर्ब्स को और क्या कहते हैं ग्रामेटिकली, इनका नाम है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग नहीं बता करना है, लिंकिंग वर्ब। क्यों, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर देते हैं आपस में। अच्छा जी, वर्ब्स आपने कौन से बताए यहाँ पे, इज और एम, यानी अगर हम बी लिख दें, बी की कितनी फॉर्म्स हैं, तीन सर, बी वाज बी, तीन, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं वैसे, सॉरी सर चार है, बी वाज बीइंग बी,
अच्छा वैसे वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? चार सर। चार, हर वर्ब की? जी सर। अच्छा सपोज ये विल है, विल की क्या क्या फॉर्म्स हैं? विल, वुड और शुड शायद। और मेरे कैन ख्याल की? से हर किस कैन की दो ही हैं सर इसकी, कैन वुड। कैन कोड दो? अब जी ये सर। तो प्रॉब्लम बन गया फिर, फॉर्म्स का कैसे पता चला कितनी फॉर्म्स होती सर विल की फॉर्म है वेंट है, टेल जी। वेंट बोर्ड। विल की तो सर किसका पूछा है आपने? वुड विल, WILL, विल। है सर इसकी, वुड है। सर कितनी फॉर्म्स है इसकी टोटल, कौन तीन फॉर्म है इसकी कौन से? सर, विल वुड और फिर वुड ही आएगा सर इसका थर्ड भी, यही कंपैरेटिव डिग्री भी यही बनेगी। कंपैरेटिव डिग्री तो बेटा एडजेक्टिव और एडवर्ब में होती है, वर्ब में तो डिग्री से नहीं होती। वर्ब की तो वर्ब की फॉर्म्स डिग्री होती होती है। है अच्छा क्या? आपने वर्ब की डिग्री से पढ़ी हुई है या खुद बनाई है? अच्छा नहीं सर पढ़ी तो नहीं है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। अच्छा क्या करा सर हर किसी की नहीं होंगी फिर चार। नहीं बेटा, ये देखें वर्ब जो है ना, इसमें हम ये कहते हैं कि वर्ब की मेन वर्ब्स की फाइव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हर मेन वर्ब की फाइव फॉर्म्स। बी जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है, बी बी की एट फॉर्म्स हैं, बाकी सब मेन वर्ब्स की फाइव, ठीक है। हाँ सर जैसे ईट है, ईट की फाइव फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? एट ईटन ईटिंग और पांच ही निकल ईट्स, ईट एट ईटन, ईट्स और ईटिंग, ये फाइव फॉर्म्स। बी की आठ फॉर्म्स कौन सी? बी वाज बीइंग डीइंग ये आठ पूरी करनी है। बाकी और बार भी इसमें आएगा आपने तो ना सर और शेल सर भी वुड भी लगेगा इस। नहीं यानस ने हैंड रेज किया हुआ है लेकिन माइक नहीं ऑन होने दे रहा आपने। सर ऑन है ये सर हैड बीन हैव तो एक्स्ट्रा अंदर यूज होगा। बी इज एम आर वाज वर बीइंग बीन, ये एट फॉर्म्स हैं बी, ठीक है। विश रोज समझ आ गए? जी सर आगे समझ हाँ जी एट फॉर्म्स। बाकी मेन वर्ब्स की कितनी है? पांच, पांच पांच। और जो बच जाते हैं ना ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स में ये कुछ जरूरी नहीं है कि इनकी भी फाइव या एट फॉर्म्स हों। मेन वर्ब्स में तो फाइव तक हैं और बी जो है इसकी एट है, लेकिन बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें किसी की एक फॉर्म, किसी की दो फॉर्म्स, इस तरह से आपने देखा ये जो ना उसमें हमने पक्का कर लिया कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसकी हैं वो फाइव तक हैं, वो मेन वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में आप देखें मस्ट की क्या क्या फॉर्म्स हैं, मस्ट की तो सिर्फ एक फॉर्म है मस्ट, शुड की एक ही फॉर्म है, कुड जो है कुड की भी एक ही फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के तौर पे जब कुड को यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैन की दो फॉर्म्स हैं कि कैन भी है और कुड भी है, कुड अलग से भी एक वर्ब है वो सिंगल फॉर्म के साथ, इसलिए हर एक की दो दो नहीं बनानी। वुड की कोई फॉर्म नहीं है और सिर्फ वुड ही फॉर्म है। विल की दो फॉर्म्स हैं, विल से विल भी है और वुड भी है, इस तरह से। छह
अच्छा जी, यहां बात थी कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट में हमने कहा कि अगर तो डूइंग वर्ब हो उसके बाद व्हाट और हु का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। यहां बात हम कर रहे हैं बीइंग वर्ब्स की। बीइंग वर्ब्स जिन्हें लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, इनके बाद अगर व्हाट या हु का आंसर आएगा तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो होता है जो एक्शन को रिसीव करे। बीइंग में एक्शन होता ही कोई नहीं है, इस वजह से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हम इसे कहेंगे जो कि बीइंग वर्ब के पास यूज होगा। तो बी की आपने कहा कि 8 फॉर्म्स हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो बी तो नहीं होते लेकिन बी की सेंस में यूज हो रहे होते हैं, वो देखना है कि वो कौन से हैं। ये हम एक एक लिख रहे हैं, तो बी का मतलब यहाँ पे बी की सारी फॉर्म्स इसमें मौजूद हैं। उसके बाद गेट और मेक, प्रूव, गो, सीन, लुक, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, ग्रो। ये जो बी के अलावा वर्ब्स लिखे हैं ये सब बी की सेंस में यूज हो सकते हैं। वो जो मैंने पहले आपको बताया कि डूइंग वाली सेंस इसमें ना हो, क्योंकि डूइंग से हम अलग इनको बीइंग वर्ब्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आपको डूइंग की सेंस भी देंगे, लेकिन जहां वो बीइंग की सेंस देंगे हम उस बीइंग को ही लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। बाकी जो अगर वो एक्शन शो करें फिर वो डूइंग में चले जाएंगे, और उनके बाद व्हाट और हु का आंसर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। जी शबरोज, आप बात सुन रहे हैं मेरी? जी सर, सुन रहा हूं। अच्छा जी, अब आपने होना की सेंस में अब इनके मीनिंग्स बताने हैं मुझे। गेट का क्या मीनिंग है होना की सेंस में? हाँ जी, ऐसे तो हासिल करना भी होता है। वो नहीं है करना, हमने वो तो एक्शन हो जाएगा, हासिल करने के लिए तो एक्ट करेंगे ना कुछ आप। जी सर, फिर गेट का क्या मीनिंग होगा? गेट का नहीं पता सर आपका। गेट का मीनिंग होना, हो जाना। जैसे आप कहते हैं कि आई गॉट फ्यूरियस, क्या मीनिंग होगा? आपने कुछ हासिल किया या हो गए आप? गुस्से में आ गया सर। जी, गुस्से में आ गया, यानी ये आपकी कंडीशन है, स्टेट ही है ना आपकी, कि मैं गुस्से में आ गया। मतलब क्या है कि मेरी तबीयत गुस्से वाली हो गई, मेरा टेम्परमेंट गुस्से वाला हो गया, होना की सेंस में। मेक का क्या मीनिंग होगा? मेक भी होने की सेंस में होगी। क्या सेंस होगी होना? जैसे आपने पहले बोला। हाँ जी, बनाए इसका फिर क्या होगा? मेक का यहाँ पे मीनिंग ये बनाना की सेंस में आप यूज नहीं करेंगे, बनना की सेंस में यूज करेंगे ना, तो वो भी बनना होने की सेंस में यूज हो जाएगा। बनना यानी बनना क्या होता है? हो जाना, ठीक है ना? देखिए जो डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर ही हो गया ना। अब जो देहात में लोग हमारे यूज करते हैं, फलां आदमी जब वो सरकारी नौकर हो गया कहते हैं ना। जी सर, हो जाना वो बनना इस सेंस में। प्रूव का क्या मीनिंग होगा? साबित होना फिर होगा सर। वेरी गुड, साबित होना। और गो तो का भी होगा सर, जाना ही शायद। नहीं, जाना तो फिर एक्शन हो जाएगा, ये भी होना। जैसे माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग कहते हैं ना। जी सर, क्या मतलब होगा? मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। हो गई। सीम, दिखना, दिखना, ठीक है ना। और लुक,
लुक भी यही ये नजर भी आना दिखना 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 अपियर। जाहिर होना। हाँ ठीक है ना, एक तो अपियर है ना, अगर जाहिर करना इस सेंस में नहीं आएगा, होना। स्मेल, सर इसकी इस महसूस होना। स्मेल नहीं, सूंघना सर हो सकता है। सुनना तो बेटा एक्शन हो जाएगा। स्मेल खुशबू होना, जैसे आप कहते हैं कि दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, इस फूल की खुशबू मीठी है, यानी ये है होना की सेंस में इसको यूज करना है। टेस्ट जायका होना, जी, जायका जायका होना, होना ग्रो बढ़ना जी, बढ़ना बढ़ना या कुछ होना, ये इस तरह से होना भी है ना, कि जैसे द टीचर ग्रू एंग्री, ये हो गए। FEEL, फील, फील का मीनिंग, महसूस होना। वेरी गुड। ये इस सेंस में इनको हम यूज करेंगे तो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स बनेंगे। अगर आपने करना के सेंस में यूज कर दिया, सारी डूइंग हो जाएगी, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्स इनके बाद यूज नहीं हो सकेंगे। अब इनके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज करने, पहले उधर से जरा पढ़ लें। अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आएगा ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, जैसे वर्ब के बाद आता है, लेकिन वर्ब्स कौन से होंगे? फॉर सर्टन वर्ब, फॉर एग्जाम्पल बी सीम्स टेस्ट, यानी वही दो लिंकिंग वर्ब्स हैं। अ कॉम्प्लीमेंट यूजली प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसने जो सब्जेक्ट आपने यूज किया होता है सेंटेंस में, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना होती है। देर आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑब्जेक्ट, बट दीज आर क्वाइट रेयर। कुछ उसने कहा कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं जो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो कम हैं, पर मैं आपको यहाँ पे वो भी बता दूंगा। अ कॉम्प्लीमेंट इज यूजली एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन और अ नाउन। सर तो नाउन में प्रोनाउन भी शामिल है, नाउन फ्रेज भी शामिल है, और नाउन क्लोज भी शामिल है। ये सब मिलके कॉम्प्लीमेंट्स का काम कर सकते हैं। अब मैं आपको सेंटेंसेस बताता हूँ जहां पे हमने इसको यूज करना है। ये देखिए, हाँ, एग्जाम्पल्स में किस वर्ब को यूज कर लें? ये वर्ब्स आपके सामने हैं, किसको मैं यूज एक को कर करना लें? है ये मेक, ठीक जी सर। अ डॉक्टर मेक्स यूजफुल सिटीजन, क्या ट्रांसलेशन होगी? एक ट्रांसलेशन डॉक्टर मुफीद शहरी होता है। हाँ, शहरी होता है, शहरी बनता है, यानी बनाता नहीं है, वो खुद ही हो जाता है जो कुछ होना। और फील कैसे यूज करेंगे? आई फेल्ट हैप्पी, क्योंकि हमने कहा कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकती है, नाउन क्लोज भी हो सकती है। नाउन क्लोज किस साथ यूज करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेक्स जो हमने यूज किया, उसके बाद हमने बेसिकली बताया तो सिटीजन ही है ये वाला, बाकी उसके साथ क्या है? ये दो ए और यूजफुल। एडजेक्टिव जी, एडजेक्टिव ये प्री मॉडिफायर्स हमने यूज किए सिटीजन के साथ, ए और यूजफुल, दो प्री मॉडिफायर्स। तो इसका मतलब हमने एक नाउन फ्रेज यूज कर दी है, नाउन फ्रेज लिंकिंग वर्ब के वैसे बाद। जी, सर यूजफुल एडजेक्टिव है ना। यूजफुल एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, सिटीजन नाउन है, तीनों को मिला के हमने कहा ये एक नाउन फ्रेज बनी, क्योंकि बेसिकली हम नाउन सिटीजन यूज करना चाह रहे थे, बाकी वर्ड्स मिलके साथ उसके प्री मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बन गई एक नाउन फ्रेज। नीचे हमने यूज कर लिया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है,
जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे थी नाउन फ्रेज। उसके बाद आप देखना है कि कोई नाउन क्लोज कैसे यूज हो सकती है यहाँ पे। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट। ये पूरी एक क्लोज आपने यूज कर दी, व्हाट आई लाइक मोस्ट। ये एक नाउन क्लोज है क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज जैसे अ सिटीजन, अ बुक, अ टेबल, वो नाउन जहां पे यूज होना था वहां पे हमने पूरी एक क्लोज यूज कर दी, दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट। तो ये नाउन क्लोज भी पूरी एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। और कॉम्प्लीमेंट किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये इस सब्जेक्ट के लिए। ये सब सब्जेक्ट के लिए हम जब यूज करेंगे तो इनको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम डूइंग वर्ब्स को यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट आएगा लेकिन वहां पर लिंकिंग वर्ब्स नहीं होंगे। वहां पे डूइंग वर्ब्स को हम यूज करके ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज यूज करेंगे, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां मैं लिख रहा हूं साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया हमने तो सब्जेक्ट के लिए। क्यों, क्या समझ नहीं आई? नहीं, नंबर तो किसी का नहीं। शिवरोज हैंड रेज करो बेटा जरा। जी ठीक है, चलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि हमने जो भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज किया वो सब्जेक्ट के लिए ही यूज किया। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में वर्ब्स कौन से यूज होंगे? यस रोज जी, डूइंग। हाँ जी, इनमें डूइंग, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हम कोई कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट आपको पता कि होता ही डूइंग वर्ब का है। जी, लाइक द टीचर, कॉल्ड अस फूल्स। टीचर ने क्या कहा आपको? अहमक, अहमक। अच्छा, ये फूल्स इस पूरे सेंटेंस में किस वर्ड के लिए ये फूल्स का वर्ड आपने यूज किया? अस के लिए। अस के लिए, अस क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने ये जो यूज किया ये ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, यानी ये जो फूल का वर्ड है वो सब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ट्रांसिटिव वर्ब यूज करके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद उसे कंप्लीट करने के लिए कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज हम यूज करेंगे। यहाँ ये भी याद रखेंगे जब भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है इसमें अगर आप प्लोरल नाउन यूज करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा। द टीचर कॉल्ड अस द फूल्स नहीं होगा, कॉल्ड अस फूल्स। चलिए एक और एग्जांपल लिख दूं या इनफ है ये? इतने सर जी, एक और एग्जांपल। जी ठीक है, द जज डिक्लेयर्ड अली
इनोसेंट जी, जज ने क्या किया? दे दिया। क्या कहा? अली को मासूम करार दे दिया सर। मासूम कर, मासूम से क्या मुराद होता है? बेकसूर। बेकसूर, बेगुनाह। तो अब ये इनोसेंट किस वर्ड के लिए यूज किया आपने? अली के लिए। अली के लिए। तो अली क्या था? ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट। और इनोसेंट किसका कॉम्प्लीमेंट बना? ऑब्जेक्ट था सर। ऑब्जेक्ट का। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके हो गया सर। अच्छा जी, आप लोगों ने ना इसके साथ साथ जहाँ से चैप्टर 6 स्टार्ट होता है उसमें दी हुई है सिमिलीज, वो सिमिलीज आपने याद करनी है अपने तौर पे। वो लिखा होता है कि जैसे एज वाइट एज स्नो, इस तरह के उसमें एक्सप्रेशंस होंगे, वो एक एक कॉलम करके याद करना शुरू कर दें आप लोग। ठीक है। और उसके साथ में कुछ इडियम्स, वो भी चैप्टर 6 के ही हैं, वो इडियम्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इसमें ग्रुप में फाइल, वो आपने देख लेनी है, उसमें से आप कोई 15-15 इडियम्स डेली याद करने शुरू कर देना। ठीक है सर। ओके। इसके बाद है ये फ्रेजेस एंड क्लोजेस। फ्रेजेस एंड क्लोजेस, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और क्लोज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक इसमें वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, यानी सिंपली वही जो हम सेंटेंस के लिए हमने कहा था, क्लोज भी ऐसे ही है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना जरूरी है। वो जो वर्ब इसने कहा तो डेफिनेटली वर्ब तो एक प्रेडिकेट ही होता है, बाकी तो उसमें एडिशंस होते हैं प्रेडिकेट में, और सब्जेक्ट भी है, तो इसका मतलब है कि एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है, एंड परहैप्स एन ऑब्जेक्ट, शायद एक ऑब्जेक्ट भी आ जाए। वो शायद इसलिए है कि अगर तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इंट्रांसिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर है सबॉर्डिनेट क्लोज। ये क्लोज की दो ही मेन टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मेन क्लोज भी कहते हैं और डिपेंडेंट को सबॉर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। तो अ क्लोज दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लोज, मेन क्लोज के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे क्लोज, उस क्लोज को सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ये यूं समझ लें कि इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज जो होती है वो एक सेंटेंस की तरह से आप अलग उसे लिख के फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज है इसके बाद आप फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते। ये वो होती है जो अपने तौर पे कंप्लीट सेंस नहीं देती किसी और क्लोज के साथ या बाकी कुछ वर्ड्स के साथ सेंटेंस के अंदर मिल के ये सेंस दे सकती, अपने तौर पे इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता। अ मेन क्लोज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, व्हेयरएज अ सबॉर्डिनेट क्लोज वुड नॉट डू सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। मेन क्लोज एक सेंटेंस के तौर पे काम कर सकती है, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लोज एक सेंटेंस के तौर पे स्टैंड नहीं कर सकती। आगे टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, जिसमें फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टाइप्स हमने पहले भी पढ़ी हैं सेंटेंसेस की, वो थी मीनिंग बेस्ड, अब है स्ट्रक्चर बेस्ड। पहले मीनिंग की बेस पे हमने देखा कि वो मीनिंग क्या देती हैं, क्या सेंस कन्वे करती हैं, क्या मैसेज हमें देती हैं, कि हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं या हमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, या हमें कमांड दे रही हैं कोई, या कोई एक्सक्लेमेशन हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जिनको एक्सप्रेस किया जा रहा है, या कोई ग्रीटिंग्स शेयर की जा रही है, इस तरह की चीजें, वो सारे थे मीनिंग्स। अब जब बात आती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर को हम या फॉर्म को देखेंगे। इसमें हमने जिस तरह कहा था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मीनिंग शो करते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये स्ट्रक्चर को शो कर रहे होते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आपने यूज की। अब इसी तरह से सिंपल सेंटेंस जो है, हाँ, सेंटेंस की जो टाइप्स हैं इनमें हमने बेसिकली देखना है कि सब्जेक्ट्स कितने यूज हुए, प्रेडिकेट्स कितने यूज हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज्वाइन करके क्या एक क्लोज ही हमने यूज की है, या एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हमने किया उसमें, ये देखना है। इस बेस पे अब टाइप्स देखी जाएंगी। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्लोज, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही क्लोज हो बस,
लेकिन इसके साथ से लिखना चाहिए था वन मेन क्लोज, वन मेन क्लोज जहां पे वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगी उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी जो कंप्लीट मीनिंग देती है, तो अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लोज, आई हिट द बॉल। अब ये एक सेंटेंस है और एक क्लोज भी है, तो एक क्लोज इसमें यूज हुई है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आई सब्जेक्ट, हिट द बॉल प्रेडिकेट। फिर एक कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें हम दो मेन क्लोजेस को जॉइन करते हैं, और अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो वो भी कंपाउंड में आ जाएगा। फिर उसके लिए टर्म एक यूज करते हैं मल्टीपल सेंटेंस, मल्टीपल का मतलब होता है जिसमें हमें क्लोजेस ज्यादा कर दी, होगा बेसिकली कंपाउंड। तो कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें हमने दो तीन चार जितने भी हम चाहें मेन क्लोजेस यूज करेंगे, लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए ये लिखा हुआ है टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर बाय अ कंजंक्शन सच एज एंड बट और। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली सेवन वर्ड्स हैं इस तरह के, जिन्हें हम फैन बॉयज कहते हैं। फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक की क्लोजेस को ज्वाइन कर देते हैं। ये सेवन वर्ड्स हैं, इनसे इन सेवन लेटर्स से सेवन वर्ड्स, फॉर एंड नोर बट और येट सर्व, सेवन वर्ड्स। ये मैं लिख भी देता हूं फैन बॉयज, ये हैं फोर एंड नो बट और येट सो। ये सेवन वर्ड्स हैं जो दो मेन क्लोजेस को जॉइन करें, जिस तरह से ये सेंटेंस आपके सामने है, वी विल प्ले क्रिकेट, सॉरी अनवर हिट द बॉल एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड। ये एंड हमने सेंटर में रख के अगली क्लोज यूज कर दी। एंड से जो क्लोज स्टार्ट हो रही है इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लोज ही कहते हैं, क्योंकि एंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो क्लोज को सबॉर्डिनेट क्लोज बना देते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं सेवन आपके सामने। तो ये सेवन जिस क्लोज के स्टार्ट में इनमें से कोई वर्ड आप यूज करेंगे वो क्लोज इंडिपेंडेंट ही रहेगी। एक गलती इसने की हुई है, एंड हिट द बॉल, इसके बाद इसे चाहिए था कॉमा यूज करता, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां पे आके नई क्लोज इंट्रोड्यूस करवाते हैं दूसरी क्लोज को हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एंड हिट द बॉल एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, ये दो मेन क्लोजेज आपने यूज कर ली है फैन बॉयज को ज्वाइन करके, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। यहाँ पे इसने लिखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बाद फोर्थ टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो इसने आगे दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बहरहाल कल हम देखेंगे, अभी दो हमारी टाइप्स हो गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस शमरोज, ओके सर, क्लियर? यस सर, ओके देन, सी यू इन बिजनेस मीटिंग। सलाम अलैकुम।